हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मुहर्रम के दम के रोट। ये रोट खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाकर रेडी करेंगे। इसके लिए वीडियो को प्लीज़ कम्प्लीटली देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम हमने घी लिया है और 50 ग्राम हमने तेल लिया है। घी और तेल को हमने एक बाउल में डाल लिया है एक साथ। इसी में हम 2 अंडे तोड़कर डालेंगे और ये दोनों अंडे इसमें चले गए। अब इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई शक्कर। ये 300 ग्राम पिसी हुई शक्कर है, इसे हम इसमें डाल देंगे। अब हमने बाउल में शक्कर, अंडे, घी, तेल सभी डाल लिए। इन सब की हम अच्छी तरह से फिटाई करेंगे विस्कर से। जितनी अच्छी इसकी फिटाई होगी इतना अच्छा हमारा रोट बनकर रेडी होगा। इसकी हमें बहुत ही अच्छी तरह से 10 मिनट तक फिटाई कर लेना है। इससे ये बहुत हल्का हो जाएगा और इसमें झाग से बनने लगेंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए अमेजे को फिटते हुए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। इसमें बहुत अच्छे से झाग बनने लगे हैं और ये बहुत हल्का हो गया है फिटकर। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चाय का चम्मच खाने का मीठा सोडा और 2 चाय के चम्मच इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। ये देखिए 1 और ये 2, दोनों चाय के चम्मच हमें प्लेन चम्मच करके डालना है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच भरकर रोज़ एसेंस या केवड़ा वाटर। इससे इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रोज़ एसेंस से इसमें अंडे की स्मेल भी नहीं आएगी। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हमने लिया है मैदा 200 ग्राम और 1/2 किलो का हम सूजी का पैकेट लिया है हमने, 500 ग्राम सूजी। अब इस सूजी में हम 200 ग्राम मैदा मिला देंगे और इसमें हम डाल देंगे 200 ग्राम जितना ही नारियल का बुरादा और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इसे हमने एक छलनी में डालकर छान लिया था। अब इसमें हमने 1 चाय का चम्मच भरकर कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। अब इसमें हम शक्कर, घी और आयल जो हमने फेट कर रखा था, अंडे वगैरह वो सब इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अमेजे को। ये देखिए अमेजा मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम दूध डाल लेंगे। हमने 1 कप दूध लिया है। दूध डालते हुए हमें अमेजे को इकट्ठा करना है, इसे हमें गूंदना नहीं है। हल्के हाथों से हम इसे इकट्ठा करेंगे। ये देखिए इस तरह से अमेजे को हमने अच्छी तरह से जोड़ लिया है, पूरी तरह से जुड़ गया है। अब इसे हम फैला देंगे हाथों से और इसे हम 1/2 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे रेस्ट के लिए। इसे हमें रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। इससे सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी और रोट हमारे बनकर बहुत अच्छी तरह से रेडी होंगे। देखिए रोट के अमेजे को रखे हुए 1/2 घंटा हो चुका है, ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसे हम एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे। सूजी भी बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। अब इसके हम छोटे छोटे से पोर्शन हाथ में लेंगे, जितने बड़े हमें रोट बनाना है उस साइज के। और देखें इस तरह से गोल गोल इसके पेड़े बना लेंगे। इसे हल्के हाथों से हम प्रेस कर लेंगे, देखिए इस तरह से। ये अब हम एक प्लेट में थोड़ी सी तिल फैला लेंगे, ये देखें इस तरह से। और इसके बीचों बीच हम रख देंगे एक किशमिश, या आप अपनी टेस्ट के हिसाब से जो भी मेवा रखना चाहें वो रख लीजिए। और इस तरह से रोट को इस पे रख के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। ये देखिए ये इस पर चिपक गए हैं। इसी तरह से हम सारे रोट बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए तिल को हमने एक प्लेट पे फैला दिया है, इसके बीच में हमने किशमिश रख दी। अब रोट को इस पे रख के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। ये देखिए ये तिल और किशमिश इसमें चिपक गई है। इसी तरह से हम बाकी के सारे रोटों को बनाकर तैयार कर लेंगे। रोट बनेंगे तब तक हम ओवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट पर लगा देंगे। ये देखिए इसे हमने 10 मिनट के लिए पहले ही प्रीहीट कर लिया था। ओवन को हमने 200 डिग्री पर सेट किया है। इसका ढक्कन हम हटा देंगे। रोट भी हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं और इसमें हम रोटों को रख लेंगे। ये देखिए इसमें हमने फूड पेपर पहले से ही बिछा कर रखे थे, इसमें हमें रोटों को रख देना है। रोटों को हम थोड़ी थोड़ी दूर पर रखेंगे। रोट जब बेक होते हैं तो ये बढ़ जाते हैं साइज में, इसलिए हमें इसे दूरी दूर पर रखना है ताकि एक दूसरे से चिपके ना। ओवन के ढक्कन को हम लगा देंगे और इसे हम 35 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। रोट को ओवन में बेक होते हुए 35 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। अब इन्हें हम एक थाली में निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और बाकी के सारे रोट हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए रोट हमारे अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। मैं आपको एक रोट बताती हूँ, ये दोनों तरफ से कितने अच्छी तरह से बेक हुए हैं। जो अंदाज़ा हमने आपको बताया था उतने अमेजे में हमारे 35 से 40 रोट बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं आपको एक रोट तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने खस्ता और क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आप कब बना रहे हैं मुहर्रम के रोट, मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस वक्त वक्त पर आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।